दोस्तों, अगर आप सभी लेटेस्ट मूवीज एंड वेब सीरीज के रिव्यू सबसे पहले जानना चाहते हैं और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल नमोकार सिनेमा को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक भी। वी आर वेलकमिंग मिस्टर एस कुमार हु इज बिहाइंड दिस एंटायर जर्नी ऑफ एंटोनेला सिल्वेस्ट्री। So what motivates you more to work in such kind of subjects as you already have played the character of Lara Croft? Oh yeah, you love that. She is a great archaeologist and daughter of Richard Croft. Yes, and also the kid loves and the audience. I have played several games, video games concerned with Lara Croft. See. As you have heard. So what motivates you more in working such kind of subjects? I want to ask you. Yeah, because I love action, and so it was a good character for me to show also something more, not just the outside, but also to be able to move. And I did a musical for that in theater, so the kids really loved the character and the audience in general. So it was really funny for me, another challenge, and in every moment I want to challenge myself with a different character, not just to play the usual characters. आप सब लोगों को एक इटालियन एक्ट्रेस है, मॉडल है, बहुत एग्रेसिवली शशि कुमार जी इनको यहाँ लेके आए हैं और इन्होंने अभी बॉम्बे में पहला टीवीसी एड भी शूट किया जो बाबा इलायची के लिए है। ये इनका पहला असाइनमेंट कह सकते हैं और ये शशि जी हैं जिनकी वजह से ये आए और आगे भी बहुत सारे इनके प्लान्स हैं। नमस्कार, एस कुमार सर, मैं नोनी जैन नमोकार चैनल से। हाय नोनी जी। दरअसल हमारा चैनल तो पोइट्री से कंसर्न है, अगर आप कविताओं में जरा सी भी रुचि लेते हैं, शायरी वगैरह, पहले मैं जानना चाहूँगी कि आपको पसंद है? बिल्कुल पसंद है, सुनना मैं गजल्स, कव्वाली, पंजाबी, फोक, सारा कुछ सुनता हूँ। जी जी जी। अच्छा, तो मतलब ऑलमोस्ट किसी शायर का नाम आप जानते हो? शायर जी, पाकिस्तान से भी बहुत सारे हैं। जी जी जी, जॉन एलिया जी का नाम सुना? हाँ जी, सुना है मैंने। जी जी, तो शायरी का अंदाज मतलब आपको पसंद है? बिल्कुल बिल्कुल पसंद है, और शायद इसमें कुछ सुनने को भी मिलेगी आप। अच्छा अच्छा, तो मतलब इसके लिए आपने स्टडी किया या आप खुद ही कनेक्टेड हैं इसलिए आपके दिमाग में ख्याल आया? हाँ नहीं, मेरे दिमाग में ख्याल बहुत सारे आते रहते हैं, मैं क्रिएट कुछ भी कर सकता हूँ, करता रहता हूँ, नए नए आइडिया आते रहते हैं। जी, खुद भी लिखते हैं आप? लिखता नहीं हूँ, लिखवाता हूँ। ओके। अच्छा, एक इटालियन एक्ट्रेस के साथ आपने काम करा, तो लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम आपको लगता है कुछ आपकी टीम में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो DP हैं हमारे, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफर हैं, वो सारे हॉलीवुड से आए हुए हैं, वो भी इटालियन ही हैं, और इनको हैंडल करना, समझाना, चीज़ें करनी, वो तो दोनों इटालियन हैं, मैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुद इटालियन बोलता हूँ। जी, आप तो इटली से हैं, बहुत साल से रह रहे हैं आप वहाँ पर एज एन NRI, लेकिन आपकी टीम में तो आपने बोला बॉलीवुड के एक्टर्स एक्ट्रेसेस भी हैं, तो सबको मतलब लैंग्वेज में प्रॉब्लम कुछ भी नहीं कि कुछ ना कुछ सिखाना पड़ा हो? कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं हिंदी भी बोल लेता हूँ, सबको समझा लेता हूँ। अच्छा, और एंटोनेला के साथ काम करके आपको कैसा? बहुत अच्छा लगा, शी इज़ वेरी हम्बल, बहुत स्वीट है, और आगे मज़ा आएगा इनके साथ काम करने। आपको लगता है कि इंडियन और इटालियन तड़का जो है एक तरह से बॉक्स ऑफिस पर हिट होने वाला है? बहुत ज़बरदस्त हिट होने वाला है, और बहुत कुछ आपको नई चीज़ें देखने को मिलने वाली है। जैसे आपकी ये पहली फिल्म है, तो कितना फियर था आपके अंदर? नहीं, फियर नहीं होता मेरे में, मैं फियरलेस इंसान हूँ, मैं जो करता हूँ दिल से करता हूँ, और मुझे उस पर कॉन्फिडेंस होता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा होने वाला है। लेकिन ऐसा होता है ना कि पूरी दुनिया में इंडिया ही ऐसी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा फिल्में बनाती है, ये बात फैक्ट है। हर हफ्ते नई नई फिल्में आती रहती हैं, लेकिन बहुत सारी फ्लॉप भी चली जाती हैं, तो मतलब एक डर खौफ आता होगा कि भाई कुछ मूवीज़ ही हिट रहती हैं, ये होगी नहीं होगी? नहीं बेटा, ऐसे कोई मेरे पास फियर नहीं है, क्योंकि मेरी मूवी हॉलीवुड में भी जाएगी और पूरे यूरोप में भी जाएगी, ये डिफरेंट लैंग्वेज में मैं लॉन्च करने वाला हूँ, इटालियन में, फ्रेंच में, स्पेनिश में, बहुत अच्छी मार्केट है मेरे पास वहाँ पे। नेटफ्लिक्स में ऑलरेडी मेरी डिस्कशन हो चुकी है, तो नेटफ्लिक्स ने ही मेरे को बोला है कि आपके पास आइडिया अच्छे हैं तो हमारे लिए कुछ करो, तो ये जल्दी नेटफ्लिक्स में ही जाएगा सारा काम, तो मुझे फ्लॉप होने का कोई इतना उसमें डर नहीं है। मतलब वेब सीरीज से एक टाई अप है आपका? या बिल्कुल टाई।
और कौन सी सीरीज Z5 वगैरह भी हम देख सकते हैं, अमेजोन प्राइम है, उनसे भी कुछ, उन पर भी हमें अवेलेबल होना? अभी उसके लिए देखिए PR की अलग टीम रहती है, ठीक है ना। अभी सारी मैं टीम अपॉइंट कर रहा हूँ, इसमें सीनियर जो भी इन्वॉल्व है उनकी पूरी टीम इन्वॉल्व है, तो कुछ चीज़ें उनकी जब नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस होगा तो सारी पूरी फुल टीम होगी साथ में, डायरेक्टर होंगे, राइटर होंगे, फिर PR के जो टीम है वो भी साथ में, मुरानी ब्रदर साथ में होंगे, तो फिर सारा आपको कंप्लीट हर चीज़ का आंसर मिल जाएगा जी। अच्छा, आपकी मूवी का टाइटल जो है वो न्यूमरिकल है, तो आपको क्या लगता है न्यूमरिकल टाइटल का ट्रेंड एक तरह से आ गया है, या आपके दिमाग में ख्याल कैसे आया है टाइटल? देखो बच्चे, कोई भी इंसान, उनको कुछ देखने जाना एक इंटरेस्टिंग चीज़ होनी चाहिए, है ना। वो ये एक ऐसा टाइटल क्रिएट है कि हर आदमी के इसको देखने के लिए क्रेज होगा, क्वेश्चन मार्क है इसके एंड में एक तरह से, या वो शाम देखने के बाद फिर खुले। अभी कपिल देव जी की भी मूवी आ रही है 86, तो इससे मतलब आपको लगता है कुछ इंस्पिरेशन ऐसी चीज़ों से भी मिलती है? मेरे को नहीं पता था बिल्कुल 86 के बारे में, मुझे आइडिया मेरे अचानक मेरे दिमाग में आया। नमोकार चैनल के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जैसे आप भी कविताओं शायरियों में बहुत दिलचस्पी लेते हैं, हमारे गेमिंग चैनल भी हैं आपका चैनल मैंने देखा है। अच्छा। कई बार देखा मैंने, उसमें प्रोग्राम अच्छे आते हैं, शायरी वगैरह इसमें जो प्रोग्राम चलते हैं अच्छे लगते हैं मुझे। अच्छा, और आप अच्छा कर रहे हैं आप लोग, और मैं तो चाहता हूँ इसको और अच्छा कीजिए, बहुत बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे कलाकार नए आर्टिस्टों को उसमें आना चाहिए। तो आप दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे नमोकार चैनल के लिए? मैं दर्शकों को मैसेज देना चाहिए कि देना चाहूँगा कि अच्छा करें और देश के बारे में थोड़ा और बढ़िया सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए आप, और सब्सक्राइब कीजिए, उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।